बल विधानसभा क्षेत्र के विधायक इंद्र सिंह ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों की आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने किसानों के लिए किसान सम्मान निधि योजना सहित अनेक योजनाएं लागू की है, जिनका लाभ किसानों को मिल रहा है। पूरे देश में चल रहा है उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी और हमारे सम्मान विधायक इंद्र सिंह गांधी जी ने जो बात कही उस संदर्भ में प्रेस वार्ता है। मैं अपनी ओर से जो माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में और हमारे आदरणीय विधायक जी के प्रयासों से बल विधानसभा क्षेत्र में जो विकास कार्य हो रहे हैं उसके लिए मैं प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त करता हूं। और यहां नगर परिषद नेर चौक की जहां तक बात है, मुझे याद है जब नगर परिषद नेर चौक बनी थी उस समय भी यहाँ इस क्षेत्र के सभी लोगों ने इसका विरोध किया था, लेकिन उस समय के मंत्री और विधायक जो थे यहाँ के उन्होंने लोगों पर इस नगर परिषद को थोपा था और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आदरणीय गांधी जी ने एक बड़ी रैली हमने यहाँ निकाली थी। हमने लोगों को विश्वास दिलाया था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो आने वाला जो चुनाव है, जो लोग ग्रामीण क्षेत्र से संबंध रखते हैं उनको हम पंचायतों में वापिस करेंगे। मैं पार्टी की ओर से भी और यहाँ की आम जनता की ओर से आदरणीय जयराम ठाकुर जी का धन्यवादी हूँ कि उन्होंने 5 जो वार्ड नगर परिषद के थे उनको फिर से ग्राम पंचायत में डाला है। और उससे बड़ी जीत हमारी है कि जिस तरह की समस्याएं आने वाले दिनों में TCP के नाम पर लोगों को घर में पानी के कनेक्शन के लिए, बिजली के कनेक्शन के लिए या अपना कोई नया मकान बनाने के लिए सामने आ रही थी आदरणीय गांधी जी के नेतृत्व में, और आज इस मंच से मैं आदरणीय महेंद्र सिंह जी का भी आभारी हूँ कि उनके सहयोग से और हमारे विधायक जी के प्रयासों से हमारे जो वार्ड यहाँ से निकले हैं उनको TCP का जो TCP से जो समस्याएं उनके क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए आ रही थी, उनके अपने कार्यों के लिए आ रही थी, उसको भी हमारी प्रदेश सरकार ने इस मंत्रिमंडल जो पिछले 2-3 दिन पहले मंत्रिमंडल के फैसले हुए उसमें उससे राहत मिली है।